हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 4 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के डिस्कस में हम कल की और आज की दोनों को न्यूज़ कवर करने वाले हैं। देखो, वैसे कल भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, तो आज और कल दोनों की न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है आज, वो आई है यहाँ पे इंस्टेक्स के बारे में। इंस्टेक्स का क्या मतलब है? इंस्टेक्स की फुल फॉर्म वो है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्शन। देखो, कौन कौन सी कंट्री को लेके है, कंटेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, और ये है क्या ट्रेड सिस्टम या जो एक्सचेंज सिस्टम, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ अभी आई है कि यूरोप की 6 कंट्री हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन कंट्रीज़ ने अभी रिसेंटली इंस्टेक्स को ज्वाइन है वो किया है। अब आपके दिमाग में पक्का आया होगा कि भाई ये इंस्टेक्स है वो है क्या। देखो, यह एक पेमेंट मैकेनिज्म है। आपको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप के बारे में तो पता होगा कि यूएसए और जो बाकी और कंट्रीज़ हैं, या जिन्हें हम जानते हैं P5+1, उन कंट्रीज़ ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है वो साइन की थी, और यूएसए उस डील से बाहर वो आ चुका था। तो उसी को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी कि जो P5+1 में से यूएसए को हटा के आप बाकी जो बची हैं 5 कंट्री, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम ईरान के ऊपर कोई सेंक्शन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कोई भी डील, जो भी न्यूक्लियर डील हुई थी, उसकी सारी बातें मानी हैं, कोई भी मतलब टर्म्स को वायलेट नहीं किया है। इसलिए हम ईरान के साथ कोई भी सेंक्शन नहीं लगा रहे हैं और ना ही ईरान के साथ ट्रेड को रोकेंगे। तो यूएसए ने उनको कहा कि भैया आप ऐसा मत करो, ईरान है वो झूठ बोल रहा है वगैरह वगैरह, काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो उस दौरान जो P5 कंट्रीज थी ना, यूएसए को छोड़ गए, P5+1 मतलब कि 5 कंट्री बच गई हैं जिसमें जर्मनी भी है, उन 5ों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि भाई हम ईरान के साथ ट्रेड है वो कंटिन्यू रखेंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो ईरान है ना, इसके साथ जो भी ट्रेड होगा इंटरनेशनल ट्रेड, वो हम डॉलर में नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, मेनली जो कंट्रीज़ में ऑल ओवर में जो ट्रेड होता है ना, वो डॉलर में ही होता है पेमेंट, मतलब पेमेंट मोस्टली डॉलर में ही किया जाता है। तो क्या डिसाइड किया गया, उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाई, 5 कंट्रीज़ ने उन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाई, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। मतलब क्या होगा कि जितने सामान की ज़रूरत होगी, ईरान अपनी तरफ से वो सामान सप्लाई करेगा 5 कंट्रीज़ को या और भी जो कंट्रीज़ में शामिल होती हैं उनको, और फिर ईरान को वो कंट्रीज़ हैं वो कुछ ना कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगी। यानी एक तरीका का बार्टर सिस्टम सा हो गया था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय, यानी कि सामान के बदले सामान है वो शिफ्ट करने की बात थी, कि भाई पैसे का लेन देन यहाँ पे नहीं होगा, इस चीज़ को फोकस यहाँ पे किया गया, ताकि देखो ईरान के ऊपर भी फालतू में ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। और हम जानते हैं कि ईरान है वो LNG या जो नेचुरल गैस है, इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो एनर्जी सिक्योरिटी है यूरोपियन यूनियन की और कंट्रीज़ की, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम तैयार किया कि भाई हम यूएस के सेंक्शन को नहीं मानेंगे और न्यूक्लियर डील कंटिन्यू रहेगी, जैसे कि तैसी हम उसको फॉलो करेंगे, यूएसए फॉलो नहीं कर रहा, वो उसकी मर्जी। तो इसमें क्या था कि भाई नॉन सेंसनेबल ट्रेड है वो रहेगा, मतलब सेंक्शन वगैरह है उनको नहीं माना जाएगा, और जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उन्हीं के ट्रेड की बात की गई है, जैसे कि जो क्रूड ऑयल वगैरह ये हो गया, गैस वगैरह होगी, मेडिसिन, फूड और जो मेडिकल डिवाइस वगैरह हैं, इन सब का ट्रेड स्मूथली चल सकेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इसरो के बारे में। देखो, इसरो ने अभी अपनी एक अपना नया जो रॉकेट लॉन्च पैड है वो बनाने की बात की है। तो पहले फैक्ट तो ये ध्यान रखना है कि इसरो के जो लॉन्च पैड हैं रॉकेट के, वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखो, इसरो के मेनली 2 रॉकेट लॉन्च पैड हैं वो कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में ही हैं। आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है ना, जहाँ पे इसरो का मेन स्टेशन है, मेन हेड है, जो आप बोल सकते हो कि हेडक्वार्टर है, वहीं पे इन्होंने अपना, आप भी बोल सकते हो कि 2 लॉन्च पैड हैं वो बना रखे हैं। वैसे देखो, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, बट मतलब मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्च पैड के टाइप की। तो अभी एक जो नया बनाने की बात है, वो बनाने की बात है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखो, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कुलशेखरपट्टनम, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कुलशेखरपट्टनम। तो कुलशेखरपट्टनम में अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक नया लॉन्च पैड है वो बनाया जाएगा। तो UPSC इसके बारे में पूछ सकती है कि लोकेशन कहाँ पे है, ब्यो बंगाल में है, अरब सागर में। तो देखो, ब्यो बंगाल की साइड इसको बनाया वो जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पॉइंट बेस्ड वीज़ा पॉलिसी। देखो, पॉइंट बेस्ड वीज़ा पॉलिसी का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। पॉइंट बेस्ड वीज़ा पॉलिसी का मतलब ये है कि मान लो XYZ कंट्री, या फिर हम रियल एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, पॉइंट बेस्ड वीज़ा पॉलिसी है ये स्टार्ट की थी ऑस्ट्रेलिया ने, है क्या इसमें? इसमें ये प्रावधान होता है कि किसी कोई भी पर्सन है किसी दूसरी कंट्री का, उसको ऑस्ट्रेलिया में जाना है या ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा लेना है, मतलब वहाँ पर जॉब करने जाना जा रहा है कोई भी काम से, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक वीजा लिस्ट में टॉपिक तैयार कर सकते हैं, लिस्ट बना रखी है कि आप कौन से काम के लिए आ रहे हो, मतलब आप में कौन सी स्किल है जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे आके काम करना चाहोगे।
जैसे कि मान लो कोई लेबर के लिए जा रहा है, कोई प्लम्बर के लिए जा रहा है, कोई वहाँ पे इंजीनियर के तौर पे जा रहा है, कोई डॉक्टर के तौर पे, तो उन्हें अपनी जो स्किल है वो शो करनी, वहाँ पे बतानी होगी कि भाई इस स्किल है, ये हमारे में टैलेंट है या स्किल है, इसी के लिए हम यहाँ पे अप्लाई है वीज़ा के लिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे जॉब कर सकें। तो कुछ इसी तरीके की प्रणाली को बोलते हैं पॉइंट बेस्ड, मतलब आपको पर्टिकुलर पॉइंट बताना है किस बेसिस पे आप वीज़ा को लेने की बात हो यहाँ पे कर रहे हो। तो सेम इसी तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी यूके भी डिसाइड कर रहा है कि हम भी पॉइंट बेस्ड वीज़ा पॉलिसी को लेके आएंगे। इसका देखो फायदा क्या है इन कंट्रीज़ को, इन कंट्रीज़ को इसका बेनिफिट ये होगा कि जो नॉन स्किल्ड, या बोल सकते हो कि जो अनस्किल्ड लेबर है ना, वो इन कंट्रीज़ में नहीं जा पाएगी। अब देखो अगर अनस्किल्ड लेबर इन कंट्री में नहीं जा पाएगी, इसका मतलब वहाँ पे जो क्वालिटी है आप ये बोल सकते हो कि लेबर की, वो बनी रहेगी। इसी के साथ एक बेनिफिट ये भी होगा, देखो अगर कोई भी स्किल लेबर जाएगी, जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी स्किल या जिसको काफ़ी अच्छी आप बोल सकते हो कि नॉलेज है, कोई लेबर है वो जा रही है वहाँ पे, अब वो वहाँ पे अपने राइट्स के लेके संघर्ष भी करेगी। अगर उसे कोई अच्छा काम मिल रहा हो तो दूसरी जगह भी काम ज्वाइन कर सकती हैं। अगर ये मान लो कि किसी की लेबर के पास कोई स्किल ही नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए और फिर वहाँ पे उसको मैनिपुलेट या बोला जाए कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उस लेबर के लिए तो गलत है ना। इसीलिए पॉलिसी रखी जाती है कि भाई अगर आदमी में स्किल है तो वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके एक कंपनी में काम करे। हो सकता है वो दूसरी कंपनी अच्छा पेमेंट दे रही हो, तो वहाँ वो अपने पास स्किल है तो आराम से काम कर सकता है। तो देखो इसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान ये होता है कि अनस्किल्ड लेबर है वो वहाँ जाके काम अब नहीं कर पाएगी। तो न्यूज़ यही आई है कि सबसे पहले तो जो पॉइंट बेस्ड वीज़ा पॉलिसी है वो ऑस्ट्रेलिया लेके आया था, अभी बात की जा रही है कि यूके भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट है वो करने जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है इनर लाइन परमिट के बारे में। देखो इनर लाइन परमिट है ना, वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि अलाउ करता है भारत के सिटीजन को ही, भारत के कुछ ऐसे चुनिंदा एरिया हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहती है कि हर कोई आदमी नहीं जा सकता, उन एरियों में जाने के लिए। मतलब इंडियन सिटीजन को ही इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ जहाँ पर जाना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना होता है, इसी के बाद वो उन एरियाज़ में जा सकते हैं। अब कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे भारत के लोगों को जाने के लिए ही परमिट लेना होता है? तो ये देखो मैंने तीन स्टेट में है, एक तो है अरुणाचल प्रदेश में है, एक मिजोरम में है और एक नागालैंड में है। मतलब अगर कोई भी पर्सन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के कुछ हिस्सों में जाते हैं तो उनको वहाँ जाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। ये चीज़ क्लियर रखना कि इनर लाइन जो परमिट है ना, वो एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जारी करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, कि आप कन्फ्यूज हो जाओ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अथॉरिटी रखती है कि वो इसको इनर लाइन परमिट को जारी करेगी, फिर वही पर्सन उस टाइम के लिए वहाँ पर जाके घूम घूम सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? देखो ऐसा इसलिए किया गया है, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप हैं और वो काफ़ी सेंसिटिव भी हैं, तो कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा था स्टार्टिंग में भी, इवन आज़ादी से पहले भी एक कई जगह ट्रेंड था कि वहाँ पे बाहर के लोग आके उनके कल्चर वगैरह को डाइवर्ट या बोल सकते उनको नुकसान पहुँचा रहे थे। इसीलिए इनर लाइन परमिट का सिस्टम रखा गया कि ये कुछ एरियाज़ हैं ऐसे इंडिया में, तीन स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, कि उन एरिया में अगर भारत का ही नागरिक जाना चाहेगा, विजिट करना है, तो उसको पहले परमिट लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसके बाद ही वो उन एरियाज़ में जा सकता है, ताकि वहाँ के लोगों के जो कल्चर वगैरह है, आप बोल सकते हो कि वहाँ की और भी जो चीज़ें हैं उन सबको मेंटेन रखा जा सके और वो वहाँ पे किसी भी तरह का अतिक्रमण वगैरह की शामिल ना हो। अब ये बात उठी कहाँ से? देखो अभी न्यूज़ ये थी कि आपको ध्यान है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो लाने की बात की जा रही है, काफ़ी टाइम से खैर कोशिश हो रही है बट वो अभी राज्यसभा से पास है, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में ये प्रावधान किया गया कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, मेनली बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, इन कंट्रीज़ में जो नॉन हिंदू कम्युनिटी हैं, जैसे कि सॉरी नॉन मुस्लिम यानी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई है, तो ये जो बाकी नॉन मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं ना, उनको अगर वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो इंडिया के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको नागरिकता दी जाएगी। तो इस पर एक कॉन्ट्रोवर्सी भी छिड़ी हुई है कि भाई ये सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान का, उसके अगेंस्ट भी है। तो उसी में लेके अभी क्लियर की गई है चीज़ कि भाई अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के जो एरियाज है ना, जहाँ पे इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, उन एरिया में बाहर से जो नॉन मुस्लिम लोग आएंगे ना, वो नहीं रह पाएंगे, मतलब उन स्टेट में उनको रहने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, वो देश के बाकी हिस्से में सेटल हैं वो हो सकते हैं। तो उसी को लेकर न्यूज़ है वो आई है, तो हमने इनर लाइन परमिट के बारे में जो पॉइंट थे वो यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पावर ऑफ सर्बिया के बारे में। देखो सर्बिया है कहाँ पे? सर्बिया, सर्बिया नहीं सॉरी साइबेरिया, ये साइबेरिया है रूस में, यानी कि जो आज इसे हम रसिया के नाम से जानते हैं।
देखो मेनली जो आपको बता दूं कि यूरोप की जो एनर्जी की डिमांड है, आप बोल सकते हो एनर्जी सिक्योरिटी है ना, वो रसिया से ही कवर अप होती है। रसिया काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरोप को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, या फिर जो नेचुरल गैस वगैरह है वो प्रोवाइड करवाता है। तो अभी जो साइबेरिया वाला हिस्सा है ना रसिया का, इस हिस्से से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है चाइना तक, तो उसी की ओपन की न्यूज़ है वो यहाँ पे आई है कि रूस से लेके और चाइना के बीच में लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि चाइना में गैस की सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रहा पावर ऑफ साइबेरिया, ये पहली क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन है रसिया और चाइना के बीच में। बाकी इससे पहले जो चाइना है, सॉरी रूस, रसिया है, वो अकेले यूरोप को ही मेनली एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। टारगेट कुछ ऐसे रखे गए हैं कि रसिया है वो 1 ट्रिलियन क्यूब मीटर नेचुरल गैस है वो चाइना को प्रोवाइड करवाएगा नेक्स्ट 30 ईयर में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो पावर ऑफ साइबेरिया जो गैस पाइपलाइन है वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, वो करती है क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन है। ये कुछ फैक्ट हैं। अब हम थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये रसिया की एक सिटी है, कुछ अजीब सा नाम है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए पाइपलाइन और फिर यहाँ से जो बॉर्डर है इसको क्रॉस करते हुए फिर यहाँ तक चाइना तक है इसकी एक्सेस है वो यहाँ पे रखी जाएगी। तो लगभग ये 3,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रसिया और देखो चाइना के बॉर्डर पे आपको दिख रहा होगा ये एक अमूर रिवर है जो कि इनका बॉर्डर बनाती है। तो एक तो ये मैपिंग में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि अमूर रिवर के बारे में, तो अमूर रिवर है वो रसिया और चाइना का बॉर्डर वो यहाँ पे बना रही है, यहाँ पे मंगोलिया की लोकेशन है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दो रिवर है, कौन कौन सी, एक तो यहाँ पे है यांगटेजे और दूसरी है अमूर रिवर। तो इन दोनों के डेल्टाओं को क्रॉस करते हुए ये पाइपलाइन है वो चाइना तक जा रही है। तो रिवर का नाम भी ध्यान रखना, यहाँ पे यांगजी रिवर और अमूर रिवर है, इन दोनों के डेल्टा को क्रॉस करते हुए गैस पाइपलाइन है वो चाइना तक जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है टेनबो आर्ट के बारे में। देखो टेनबो आर्ट है क्या, पहले तो वो जानते हैं। ये टेनबो जो आर्ट है ना, ये मेनली जापान से ओरिजिन है, या जापान से इसका ओरिजिनेट है वो है। होता क्या है इसमें कि जो पेडी की फसल यानी कि जो चावल की फसल होती है ना, उसको इस तरीके से बोया जाता है कि अगर ऊपर से देखे तो उसमें कोई आकृति उभरी हुई दिखती है। मतलब कि अलग अलग कर चावल के भी अलग अलग कलर होते हैं, तो अगर हम अलग अलग कलर के चावल बो के दूर से ऊपर से देखें तो एक हमें अलग से नई शेप दिखे, उस आर्ट को कहते हैं टेनबो आर्ट। तो देखो यहाँ पे आपको एक हाथी की शेप है वो दिख रही है, एलिफेंट की, तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, या आप बोल सकते हो कि ये टेनबो आर्ट है इस टाइप की। इस आर्ट को अभी केरला में मतलब एक तरीके से शो है वो क्या क्या है। केरला में एक एलिफेंट थे, मतलब हाथी से काफ़ी धार्मिक, मतलब उसकी पूजा में वैल्यू रखी जाती थी, जिनका नाम था गुरुवायो कैसवन। तो इनकी अभी जो शेप है वो यहाँ पे एक किसान ने अपने खेत में है, वो मतलब धान के अलग अलग कलर के धान बोए और ऊपर से देखने में वो इस तरह की शेप दिखती है, इसको कहा गया टेनबोर्ट। तो उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया है। देखो एक केरला में एक मंदिर है, इसका नाम भी ध्यान रखना, वो है यहाँ पे गुरुवायूर। जो गुरुवायूर टेम्पल केरला में है ये हिंदू टेम्पल है, और इसमें केवल हिंदू लोगों का ही अलाव है, बाकी और किसी धर्म के लोगों को अलाव है वो नहीं किया जाता है। और काफ़ी धार्मिक इसकी वैल्यू है, आप बोल सकते हो रिलीजियस वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस टेम्पल में एक हाथी हाथी थे, एलिफेंट थे, जिनका नाम था यहाँ पे केशवन। तो उनकी डेथ हो गई थी 1976 में, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि उनको प्रतिष्ठित या उनको सम्मान देने के लिए एक एलिफेंट की शेप है वो टेनबो आर्ट के थ्रू एक किसान ने अपने खेत में बनाई है। मतलब केरला के किसान ने अलग अलग कलर के धान हैं उनको बो के एक हाथी की शेप है वो बनाई है, उसको टेनबो आर्ट कहते हैं। तो वो अभी न्यूज़ में आई है। आर्ट का वैसे ओरिजिन कहाँ से है अगर हम बात करें तो ये जापान की एक फेमस आर्ट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए भी नेशनल पेंशन स्कीम को स्टार्ट है वो किया है। इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि उनकी मैक्सिमम जो साल का टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही वॉलेंट्री तौर पे जो कोई भी पर्सन है, व्यापारी है, वो इसको ज्वाइन है वो कर सकता है। मतलब ज्वाइन होने के लिए कोई फीस वगैरह वो अलग से पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लाभार्थी को इसका फ़ायदा मिलेगा। खुद को सर्टिफाई करना है, मतलब खुद को सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम है, तब इस स्कीम में इनरोलमेंट है वो किया जा सकता है अपनी इच्छा से। इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर ट्रेडर या व्यापारी स्कीम से जुड़ रहा है तो उसको 60 साल की एज होने के बाद कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन है वो दी जाएगी, और इससे ज़्यादा पेंशन भी दी जा सकती है जितना वो स्टार्टिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब ये है कोई भी पर्सन, देखो पहले तो 18 से इसकी जो क्राइटेरिया है ज्वाइनिंग का वो है 18 से 40 साल के बीच में,
मतलब कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच में है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसको क्या करना होगा, 18 से 40 साल की एज में कुछ ना कुछ पैसा है वो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे मान लो कि वो हर महीने 100-100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 100-100 रुपये ही गवर्नमेंट देगी अपनी साइड से। मतलब 50% जो पैसा है वो खुद को इन्वेस्ट करना होगा और 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगी अपनी तरफ से। इसके बाद में क्या होगा, उसी हिसाब से जितना पैसा बनता है उसके अकॉर्डिंग जब 60 साल की एज हो जाएगी, एक तरह से रिटायरमेंट की एज होती है नॉर्मली, इसके बाद में क्या होगा वो पेंशन है वो एक दी जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना 50% जो पैसा है वो तो खुद को कॉन्ट्रीब्यूट मतलब पैसा देना होगा जिसको भी इस स्कीम का लाभ चाहिए वो, और 50% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देगी। ये इसमें कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करते हुए हैं कि आधार कार्ड होना चाहिए और जनधन का अकाउंट होना चाहिए और पासबुक चाहिए इसके साथ, या फिर एज है वो होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जिन भी व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है उनको GSTIN नंबर है वो देने होंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, कोई भी लाभार्थी जो कि गवर्नमेंट की और जो पेंशन स्कीम है जैसे कि EPF हुई, ESIC हुई, NPS हुई या और भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर उनसे पेंशन का लाभ उठा रहा है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ज़्यादा क्लियर रखना। सिग्निफिकेंस की बात ये है कि गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2019-20 में लगभग 25 लाख लोगों को इसका फ़ायदा मिले, और 2023-24 तक आते थे नहीं, कहते 2 करोड़ के आसपास लोगों को इसका फ़ायदा है वो होना चाहिए। तो इसी के लिए स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। देखो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ना वो नागालैंड का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पे, वो आप क्लियर रखना क्योंकि ये UPSC आपसे पूछ सकती है कि कहाँ का ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो यहाँ पे है नागालैंड का। तो अभी उसी को वहाँ पे आयोजित है वो किया गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि त्यौहारों का त्यौहार, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इसकी रखी गई है। इस दिन होता क्या है, इन 10 दिनों में जो नागालैंड का कल्चर है इसकी इंफॉर्मेशन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है नागालैंड की, जो और भी आप बोल सकते हो कि व्यंजन वगैरह हुए, वहाँ के जो ट्रेड डेली की जो आजीविका हुई, उनकी लाइफ स्टाइल हुई, उनके कल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं खाने वगैरह की और भी तरह की घूमने की, उन सब के बारे में एक तरह की प्रदर्शनी टाइप की जाती है। ये जो ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट है वो करती है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ था 1963 से, उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे राधा कृष्ण जी उनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग शुरुआत है वो की गई है। सिग्निफिकेंस क्या है, टू रिवाइव प्रोटेक्ट सस्टेन एंड प्रमोट द रिचनेस ऑफ द नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, मतलब नागा जो कल्चर वगैरह है इसको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर बाकी हिस्से में फैलाने के लिए हर साल इसको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित है वो किया जाता है। कहाँ का, नागालैंड का ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंस्टेक्स के बारे में जाना कि इंस्टेक्स एक पेमेंट मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी पेमेंट वो डॉलर में नहीं किया जाता है और मेनली ईरान के लिए सिस्टम है वो अपनाया गया है। इसके बाद में हमने जाना कि इसरो अपना तमिलनाडु में एक नया लॉन्च पैड है रॉकेट वो बना रहा है, और फिर हमने जो पॉइंट बेस्ड वीज़ा पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया की इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने इनर लाइन परमिट के बारे में जाना कि इनर लाइन परमिट क्या है, कौन कौन से स्टेट में इसको अप्लीकेबल किया गया है। बाद में हमने पावर ऑफ साइबेरिया के बारे में जाना कि पावर ऑफ साइबेरिया वो यहाँ पे क्या है। इसी के साथ हमने यहाँ पे टेनबो आर्ट के बारे में देखा कि टेनबो आर्ट है वो जापान की एक आर्ट है वैसे, और इसको इंडिया में भी परफॉर्म है वो किया जाता है। साथ ही हमने यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जाना कि व्यापारी के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो किया है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं, जो भी आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन सबको हमने एक एक करके यहाँ पे कवर किया है। और लास्ट में हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जाना। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।